देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। नजर डालते हैं देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों पर। बिहार भाजपा ने भोजपुरी गायक पवन सिंह को एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी के तरफ से कहा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, यह काम दल विरोधी है। बिहार में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस पर अब राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पवन सिंह के खिलाफ हुई कार्रवाई को दिखावटी तक बताया। इसके अलावा उन्होंने 4 जून को लोकसभा चुनाव के लिए परिणाम आने से पहले ही लोजपा प्रमुख चिराग पासवान को दी बधाई। काराकाट के डेहरी में जनसंपर्क अभियान के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पूरे बिहार और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई हीरो नहीं है। आगे जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए को किसी स्टार कैंपेनर की जरूरत नहीं है और उन्हें काराकाट में जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। हम पार्टी के संयोजक जीतन राम मांझी ने आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य पर जुबानी हमला किया है। मांझी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आरजेडी ने पहले लोगों को भड़काया और फिर भड़काकर गोलीबारी करवाई और अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। साथ ही मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रोहिणी आचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। के पाठक के नए आदेश से मची खलबली, शिक्षकों को लेकर बड़ा ऐलान। अब सुबह 6 बजे से पहले ही शिक्षकों को पहुंचना होगा स्कूल। 6 बजे से पहले किसी भी हालत में सेल्फी क्लिक कर अपलोड करनी होगी, तभी उनका अटेंडेंस मान्य होगा। 6 बजे के बाद किसी सेल्फी को मान्य नहीं माना जाएगा। बिहार के सारण जिले से होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2024 को स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 2 दिन 22/5/2024 और 23/5/2024 को दोनों पालियों में होने वाली थी, लेकिन सारण में चुनाव के बाद भड़की हिंसा के कारण इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिस कारण परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। आईपीएल 2024 का एलिमिनेटर मैच राजस्थान रॉयल्स और रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच बुधवार को अहमदाबाद में खेला जाना है। इस मैच से पहले आरसीबी ने प्रैक्टिस कैंसिल कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली पर खतरा मंडरा रहा है, इस वजह से उनकी सुरक्षा यानी विराट कोहली की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दिया गया। चुनाव आयोग ने जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया। निर्देश दिया है कि रक्षा बलों का राजनीतिकरण ना करें और रक्षा बलों की सामाजिक आर्थिक संरचना को लेकर विभाजनकारी बयान ना दें। बांग्लादेश के सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद अनवारुल अजीम 18 मई को लापता हो गए थे। उनका बुधवार को कोलकाता में शव मिला। बांग्लादेश पुलिस इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी की। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर संवेदना व्यक्त करने के बाद अमेरिका अपने ही देश में एक बार फिर से घिर गया है। अमेरिका के सीनेटर ट्रेंट क्रूज ने देश के फॉरेन पॉलिसी को लेकर विदेश मंत्री ब्लिंकन के सामने कई सवाल खड़े किए। फिलहाल देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।